फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश करी गई है ANI द्वारा, जहां पर ये बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी द्वारा करीबन 6800 करोड़ रुपीज में इंडिजिनस शोल्डर फायर्ड मिसाइल प्रोजेक्ट को अप्रूवल दी जाएगी, जिनका इस्तेमाल चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास किया जाएगा। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि फिलहाल के लिए जो हमारी इन्वेंट्री है इस शोल्डर फायर्ड मिसाइल की, इसमें कमी है और इसको पूरा करने के लिए इस प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर जो प्रोग्रेस है ये दो केसेस को इंक्लूड करती है, जहाँ पर टोटल अमाउंट 6800 करोड़ को क्रॉस कर रही है। पहला तो ये है कि इंडियन आर्मी डेवलप करेगी और परचेस करेगी करीबन 500 लॉन्चर्स और 3000 मिसाइल्स इंडिजिनस रूट से, और उसी के साथ जो पुराने टेंडर स्क्रैप किए गए हैं जिनके अंतर्गत रशियन ईगला एस को प्रिक्योर किया जाना था, ईगला 1M को रिप्लेस करने के लिए, उस पर भी काम किया जाएगा ताकि वहां से भी ये वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम प्रिक्योर किए जा सके। फिलहाल के लिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा ईगला 1M वी शोराट सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि IR होमिंग गाइडेंस सिस्टम्स हैं, और इनको 1989 में लिया गया था और ये मानकर चला जा रहा था कि इसको आज से एक दशक पहले ही यानी कि 2013 में सर्विस से रिटायर करके रिप्लेस किया जाना था, पर अभी तक ये प्रोग्रेस प्रॉपरली हो नहीं पाई है। बाकी ये भी मेंशन किया गया है कि करीबन 4800 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत पब्लिक सेक्टर यूनिट द्वारा जो कि हैदराबाद में बेस्ड है और एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी द्वारा जो कि पुणे बेस्ड है, एक लेजर बीम राइडिंग विशोराट को डेवलप किया जा रहा है जो कि हमारी आर्म फोर्सेज द्वारा इस्तेमाल किए जाएंगे। तो यहाँ पर किसी भी कंपनी का नाम मेंशन नहीं किया गया है, पर जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है ये मोस्ट लाइकली BDL हो सकती है। और यहाँ पर जिस सिस्टम की बात करी जा रही है ये ब्रिटिश थालेस का स्टार स्ट्रीक हो सकता है, जिसको लेकर 2021 में ही एक अग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके अंतर्गत ये सिस्टम इंडिया में ही BDL द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाने थे। तो स्टार स्ट्रीक जो एयर डिफेंस सिस्टम है या फिर वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, ये लेजर बीम राइडिंग मैकेनिज्म को इस्तेमाल करता है गाइडेंस के लिए, तो मोस्ट लाइकली ये हो सकता है। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि करीबन 200 लॉन्चर्स बनाए जाएंगे और 1200 के अराउंड मिसाइल्स बनाई जाएंगी, जो कि इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों को सप्लाई करी जाएंगी। तो ये जो 1200 मिसाइल्स सप्लाई की जाएंगी, इसमें से ऐसा कहा जाता है कि 700 के अप्रॉक्स इंडियन आर्मी के पास इसमें से जाएंगे और बाकी बचे इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे। खैर, ANI की रिपोर्ट में लिखा है कि इन फर्म्स द्वारा प्रोटोटाइप भी डेवलप किया गया है इन सिस्टम का, पर इनकी डेवलपमेंट जो है ये खास कुछ एनकरेजिंग नहीं रही है। बाकी आगे चलकर DRDO के विशोराट की बात कही गई है, जिसको अडानी द्वारा पार्टनरशिप में बनाया जा रहा है। ये डेवलपमेंट पूरी तरीके से DRDO का है और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर अडानी ग्रुप द्वारा करी जाएगी। तो अभी तक इसको ट्राईपॉड बेस्ड लॉन्चर से लॉन्च करके टेस्ट किया गया है और कहा जा रहा है कि अभी इसको मिनिएचराइज किया जाएगा शोल्डर फायर्ड वेपन में डेवलप करने के लिए। तो DRDO के विशोराट में अभी काम बाकी है। वहीं पर इंडियन आर्मी और एयरफोर्स द्वारा इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत भी ईगला एस को प्रोक्योर किया गया था, जिसके अंतर्गत करीबन 96 लॉन्चर्स जो हैं ये रशिया से लिए जा रहे हैं, जिसमें से 48 जो हैं ये इंडिया में अराइव हो चुके हैं पहले ट्रांश में, और बाकी 48 जो हैं ये फ्यूचर में आएंगे। बाकी ये भी कहा जा रहा है कि जो पहले विशोराट्स को प्रोक्योर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट रखा गया था, जो कि करीबन 5 साल पहले था, उसको फिर से रिवाइव किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत ईगला एस का प्रोक्योरमेंट किया जाना था। तो अब यहाँ पर कोशिश करी जा सकती है कि इस प्रोजेक्ट को मेक इन इंडिया के अंतर्गत एग्जीक्यूट करने की, और यहाँ पर जो अमाउंट है ये अगेन 4800 करोड़ की है। तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच है जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं। मेक इन इंडिया का होना तो बहुत ज़रूरी है ही, साथ ही साथ रिक्वायरमेंट होना भी ज़रूरी है, और इसलिए यहाँ पर जो अप्रोच दिखाई जा रही है कि जो फॉरेन इक्विपमेंट है इनको भी लिया जाएगा करंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मेक इन इंडिया के रूट के थ्रू, साथ ही साथ इंडिजिनसली डिजाइंड और डेवलप्ड सिस्टम्स को भी यहाँ पर महत्व दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत BDL के विशोराट और DRDO के विशोराट पर भी काम किया जा रहा है। तो नियर फ्यूचर में हम DRDO के विशोराट को सर्विस में इंडक्ट होता हुआ देख पाएंगे, लेकिन वहाँ पर अभी फिलहाल थोड़ा काम बाकी है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।